दोस्तों गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहो तो गोदी मीडिया गुस्सा हो जाता है, लेकिन ऐसी हरकतों को देखकर गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों ना कहा जाए। इन वीडियो में इन तस्वीरों के ऊपर जरा गौर करें। यह एक ऐसा फैसला है जिसने गटर में बदल चुके गोदी मीडिया का सारा गंदा पानी सड़क पर ला दिया है। खैर अभी तो ये एग्जिट पोल है, नतीजे आने बाकी है, लेकिन अगर एग्जिट पोल की तरह ही नतीजे रहे तो स्क्रीन ऐसी ही दिखने वाली है। एंकर का चेहरा ऐसा ही मुरझाया हुआ आपको नजर आने वाला है। देखिए जैसे रिपब्लिक ने जब उसको लगा जम्मू कश्मीर में जहाँ पर उसको कांग्रेस की सीटें कम दिखाने का मौका मिल रहा है वहाँ पर उसने राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी, भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि सरकार नहीं बन पाएगी तो नड्डा की तस्वीर लगा दी, वहीं जहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस की ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर लगा दी, लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी नहीं लगेंगे। मतलब इनका कोई एक पैमाना नहीं है। इसीलिए भारत के मीडिया को खान सर ये कहते हैं, झूठ की मंडी नारायणगढ़ और झूठ की मंडी भारतीय मीडिया। भैया या तो मत लगाओ या फिर लगाओ। कैसे राहुल गांधी का चेहरा लगाने की कोशिश करते हैं जब कांग्रेस आपको हारती हुई कहीं पर नजर आती है? नॉट दैट जम्मू कश्मीर में हारती हुई नजर आएगी क्योंकि गठबंधन होगा और जरूरत पड़ी तो पीडीपी आउटसाइड सपोर्ट भी दे देगी उन्हें। मेरे भी चैनल्स में आपको दिखाऊँ, इंडिया टुडे दिखा रही हूँ, रिपब्लिक दिखा रही हूँ, इंडिया टीवी दिखा रही हूँ, न्यूज 18 दिखा रही हूँ, एबीपी न्यूज ने तो कम्प्लीटली जिसे कहते हैं ना सारे चेहरे हटा दिए, सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी चैनल पर आपको नरेंद्र मोदी की एक भी तस्वीर नजर नहीं आएगी। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। तब जब जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते हैं, नरेंद्र मोदी के काम पर जीतते हैं और उनके चेहरे पर जीतते हैं, लेकिन जब हार होती है तो उसका ठीकरा लेने के लिए या तो नड्डा या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी और लोग स्टेट वाले लीडर्स होते हैं। इसीलिए रवीश कुमार जी का गोदी मीडिया के बारे में ये कहना है, गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।